हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद बॉनी। मैं बॉनी लेके एक नए वीडियो। मैं सभी लोगों के साथ साड़ी हॉल लेके आई हूँ। मैं आज 4 साड़ीज के रिव्यू शेयर करूंगी जो मैंने अपने शॉर्ट्स में ऑलरेडी स्टाइल किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। मैं हर रोज अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को जरूर लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पर डालूं नोटिफाई हो सके। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दिखाऊंगी एक कॉटन की साड़ी जो कि है इंडिगो कलर में। ये है इंडिगो कलर की एक साड़ी, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छी फेब्रिक की है। मैंने इसको एक बार वॉश कर लिया है, ड्राई वॉश किया था मैंने, लेकिन इसका जो कलर है बिल्कुल सेम टू सेम है। मैंने इसको परचेस किया था फ्रॉम आजियो। ये मैंने स्टाइल किया था येलो कलर की टॉप के साथ जो मैंने अमेजोन से परचेस किया है। उस टॉप का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी है चैनल पे, आप उसको भी देख लेना और उसका रिव्यू भी देख लेना। तो ये काफ़ी अच्छी एक साड़ी है, पूरी इंडिगो कलर की साड़ी है। आप जानते ही है इंडिगो कितना पॉपुलर एक कलर है आज के दिन में। काफ़ी अच्छी है साड़ी, आपको पूरी साड़ी में इंडिगो वर्क मिल जाएगा। मैं आपको पूरी साड़ी दिखा देती हूँ। पूरी साड़ी में जो डिज़ाइन है इस पैटर्न में आपको मिलेगा पूरी साड़ी, और नीचे आपको ऐसी पैटर्न मिल जाएगी। पूरी साड़ी में बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन है, नीचे आपको ऐसा और बॉडी में आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी है ये साड़ी, पहनने के बाद तो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है क्योंकि ये प्योर कॉटन की साड़ी है, तो पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसका जो आँचल है ये देख सकते हैं, इस तरह की आँचल के साथ आती है। आपको यहाँ इंडिगो कलर के साथ व्हाइट कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा जो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और अगर इसके साथ अगर आप येलो कलर की कोई टॉप या ब्लाउज स्टाइल करेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि इंडिगो के साथ येलो काफ़ी अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है। तो मैंने तो इसको स्टाइल किया था येलो टॉप के साथ, आप भी कर सकते हैं। अगर आपने वो स्टाइलिंग वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप चेकआउट कर लेना, वहाँ से आपको थोड़ी आइडिया हो जाएगी कि आप इसको किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। और मैंने इसको थोड़ा सा अलग वे में वेयर किया था, वहाँ से आप देख लेना कि मैंने इसको किस तरह वेयर किया था। तो ये था मेरा फर्स्ट साड़ी, तो काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड भी है। तो अगर आपको साड़ी पहनना उतना पसंद नहीं है तो आप इस तरह की साड़ी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होती है और कॉटन की भी है और वेयर करने के बाद भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती है। तो अब इतो ये था मेरा फर्स्ट साड़ी जो मैंने आजियो से परचेस किया है। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी नीचे, उसको आप ज़रूर चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगर आप इस साड़ी को परचेस करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये मेरा काफ़ी फेवरेट सा एक साड़ी है। तो ये था मेरा फर्स्ट साड़ी परचेस फ्रॉम आजियो। नेक्स्ट में आपको तीन साड़ी दिखाऊंगी जो कि है झाकाई जमदानी साड़ी, जो मैंने तीनों मीशो से परचेस किया है अलग अलग कलर में, लेकिन इन तीनों का पैटर्न जो है वो थोड़ा अलग अलग है। तीनों का जो स्टाइल है वो सिमिलर है लेकिन थोड़ा अलग अलग है पैटर्न वाइज। तो पहले जो दिखाऊंगी वो है एक ग्रीन कलर की साड़ी, ये है पैडोर ग्रीन कलर की साड़ी। सभी है सॉफ्ट झाकाई जमदानी, काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की भी है। इसकी जो प्राइस था वो 1200 रुपीज़ का था। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी सर्च करेंगे तो आपको इसी प्राइस रेंज में साड़ियाँ मिल जाएगी झाकाई जमदानी सॉफ्ट। तो मैंने मीशो से परचेस किया है। अगर मुझे इस साड़ी का जो लिंक है और जो प्रोडक्ट कोड है वो मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगी क्योंकि मीशो में बहुत जल्दी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो इसलिए अगर मैं दूंगी भी तो अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो आपको आपके लिए वो यूज़फुल नहीं होगी। तो अगर होगी स्टॉक में तो मैं ज़रूर दे दूंगी इसका लिंक। ये मेरा साड़ी जो है पैरल ग्रीन कलर में। मैं पहले आपको साड़ी दिखा देती हूँ खोल के। आपको इन सभी झाकाई जमदानी में होल बॉडी काम मिल जाएगी, ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे काम है, बड़ी बड़ी काम मिल जाएगी आपको। अब देख सकते हैं पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, नीचे से ऊपर तक आपको पूरी साड़ी में काम मिल जाएगा। इसकी जो बॉडी है पूरी बॉडी में आपको इस तरह से काम मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छी है और जो आँचल है वहाँ पे आपको इस तरह के वर्क मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी है इसकी पैटर्न, यहाँ पर आपको ऐसे ब्लैक और गोल्डन वाइट कलर के वर्क मिल जाएगा। पूरी साड़ी की जो वर्क है वो बिल्कुल सेम है, काफ़ी अच्छी है, पूरी साड़ी में आपको वर्क मिल जाएगा। और इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट झाकाई जमदानी है, सॉफ्ट झाकाई जमदानी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप साड़ी पहनना नहीं चाहते हो तो इस तरह की सॉफ्ट झाकाई जमदानी में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये
पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो यह मेरा फर्स्ट ढक्कन जमदानी साड़ी फ्रॉम मीशो। नेक्स्ट भी जो साड़ी दिखाऊंगी वो और ये ग्रीन बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ कलर अलग है। यह है ग्रे कलर की, ये ग्रे नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, चारकोल ब्लैक कलर की साड़ी। ढाका जमदानी साड़ी में ये जो कलर है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक कलर है, क्योंकि आपको इस तरह के कलर को नहीं मिलेगा अक्सर। तो अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो इस तरह के कलर आप नहीं ढूंढ सकते हो, लेकिन मीशो में जब मैंने इसको देखा तभी मैंने इसको परचेस कर लिया है। इसका ग्रीन का जो प्राइस है वो भी सेम है, तो मटेरियल और स्टाइल भी बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं पहले आपको साड़ी दिखा देती हूँ। पूरी साड़ी की जो काम है ग्रीन की तरह ये सेम है, देख सकते हैं। आपको नीचे से ऊपर तक काम मिल जाएगी इस साड़ी में। आपको साड़ी में आपको ऐसे ऑरेंज और येलो कलर की वर्क मिल जाएगी पूरी साड़ी में। पूरी साड़ी की जो पैटर्न है वो सेम है, पूरी साड़ी में ऐसे भरा भरा काम किया हुआ है। और इसका जो आंचल है देख सकते हैं, आंचल की जो वर्क है यहाँ पर आपको ऐसे ऑरेंज और येलो कलर की वर्क मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी है। ग्रीन और ये जो चारकोल ब्लैक साड़ी है सेम है, सिर्फ कलर वाइज अलग है। और ये कलर मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मैंने इसको स्टाइल किया था स्ट्रेचर स्टोर के एक टॉप की मदद से। अब इसको ऐसे ऑरेंज येलो या फिर ब्लैक टॉप के साथ या ब्लाउज के साथ इजीली स्टाइल कर सकते हैं। मेरा जो स्टाइलिंग वीडियो है वो मैंने चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, आप उसको चेकआउट कर लेना। और मैं पास में देखती हूँ कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, वहाँ से भी आप अंदाज लगा सकते हैं कैसा दिखेगा वेयर करने के बाद। तो ये मेरा सेकेंड साड़ी फ्रॉम मीशो। नेक्स्ट एंड लास्ट जो साड़ी दिखाऊंगी वो भी एक ढाका जमदानी साड़ी है और सॉफ्ट है, वो है फुशिया पिंक कलर की साड़ी। एक ये थोड़ा सा प्राइसी है उसके अकॉर्डिंग में, ये 1600 रुपीज़ का है। और इसका जो पैटर्न है वो भी अलग है और जो कलर है ये भी काफ़ी अच्छी कलर है। आप इसको नाइट में कोई फंक्शन में या फिर वेडिंग में इजिली स्टाइल कर सकते हैं। मैंने इसको भी स्टाइल किया था स्ट्रेचर स्टोर के वाइट टॉप के साथ। आप पहले साड़ी देख लो, इसकी जो पैटर्न है काफ़ी प्यारी पैटर्न के साथ आती है। पूरी साड़ी में आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा, पूरी साड़ी में ऐसा भरा भरा वर्क मिल जाएगा। आपको देख सकते हैं पूरी बॉडी के जो काम है, इस तरह के काम दिया हुआ है पूरी बॉडी में, काफ़ी अच्छी लगती है वेयर करने के बाद। ये मैंने व्हाइट के साथ वेयर किया था, आप चाहे तो इसको गोल्डन के साथ या फिर ब्लैक के साथ स्टाइल कर सकते हैं। और यह है इसका आंचल, देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऐसा गोल्डन फ्लावर भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। मैंने व्हाइट के साथ स्टाइल किया था, अब इसको गोल्डन के साथ, ब्लैक के साथ, व्हाइट के साथ, सभी कलर के साथ या फिर फुशिया पिंक कलर के टॉप के साथ या ब्लाउज के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगेगा देखने में। और ये कलर जो है ये वेडिंग के लिए, फंक्शन के लिए काफ़ी प्यारा कलर है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको भी ज़रूर परचेस कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक में होगा तो मैं ज़रूर आपको लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो ये था मेरा 3 साड़ी फ्रॉम मीशो और 1 साड़ी जो मैंने आजियो से परचेस किया था। साड़ी का वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो रिपीट करूं तो नोटिफाई हो सके। और आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।